तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में रिव्यू करने वाले नेताजी सुभाष सीनियर कॉलेज, काफ़ी सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस कॉलेज पर एक डिटेल रिव्यू बनाइए। आईएम हेरिटेज टेक्नो का तो पता ही है, लेकिन इस कॉलेज के बारे में कुछ खास पता है नहीं। एंड इस ईयर 2020 में प्लेसमेंट काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है, तो सर क्या कट ऑफ रहने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कैसा है, ठीक है, हर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले। एंड वीडियो के एंड में एक कॉलेज कॉम्पिटिशन डिस्कस करने वाले, जो कि काफ़ी आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि मुझे कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए। तो इस कॉलेज के बारे में जो भी प्रोस एंड कॉन्स है सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। बता दो, ये जो कॉलेज है टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर में आता है, तो टेक्नो इंडिया ग्रुप पे खुद एक ग्रुप है, मतलब उसके अंदर में काफ़ी से कॉलेजेस है। लाइक जो नंबर वन कॉलेज वो है टेक्नो मेन सॉल्ट लेक, सेकेंड जो है वो नेताजी सुभाष सीनियर कॉलेज है। एंड लाइक बाकी सब भी कॉलेजेस है, लाइक मेघना शाह हो गया, आपका आसनसोल, आपका एबकस हो गया, तो कई सारे कॉलेज आते हैं टेक्नो इंडिया ग्रुप में। जो नंबर टू मतलब बेस्ट टू जो कॉलेजेस है वो है आपका नेताजी सुभाष सीनियर कॉलेज, तो इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। बता दो, ये जो कॉलेज है गड़िया स्टेशन रोड से लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है, तो ये गड़िया में ही लोकेटेड है। तो आप गड़िया स्टेशन रोड जाओ तो वहाँ से 2.5 किलोमीटर समय लग रहा होगा ट्रैवलिंग के थ्रू, आप कॉलेज में पहुँच जाओगे, ठीक है। तो लाइक यूट्यूब पर पोस्ट भी कहते हैं कि कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए, तो मैक्सिमम बच्चे इस कॉलेज के ऊपर रिव्यू के लिए डिमांड कर रहे थे। जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं, हर एक का एक डिटेल रिव्यू बनने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लाइक मैं ये बना रहा हूँ तो वो मैं नहीं बनाऊंगा, ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिव्यू अपडेटेड चैनल पर। तो अगर वीडियो नहीं देखी को लाइक हल्दिया हो गया, यूआईटी बर्मान हो गया, आपका नरोला हो गया, तो इसका ऑलरेडी काफ़ी डिटेल रिव्यू बन चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, तो जाइए चेकआउट कीजिए। एंड अपकमिंग डेज में सारे कॉलेज का रिव्यू कवर होने वाला है, तो लाइक मैक्सिमम बच्चे इस कॉलेज का डिमांड किए थे तो ये बन रहा है, ठीक है। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए तो बता दो, इस चैनल पर ऑलरेडी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट अपलोडेड है, तो वो जाकर के प्लीज़ देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी फ्रेंड है शेयर कर लीजिए, क्योंकि इन अपकमिंग डेज जो भी वीडियोज रिगार्डिंग WBJEE हो गया, JEE मेंस हो गया, कॉमेट की हो गया, BITSET हो गया, VIT के हर एक एग्जाम के रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड हो रही होंगी, तो जो भी आप एग्ज़ाम दिए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खास करके जो बच्चे WBJEE के अंडर में आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वीडियोज़ रेगुलर वीक में ही अपलोडेड होने वाला है। तो बात करें NF रैंकिंग का, तो देख सकते हो इसका जो NF रैंकिंग है वो 251 से लेकर के 300 बीच के अंदर में आता है, ठीक है। तो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है क्लियर मेंशन कर दिया गया, जो 20 का जो NF रैंकिंग है अभी तक लाइक 21-22 का कुछ डेटा एग्जैक्ट नहीं है, तो जो NF रैंकिंग है वो 251 से ऊपर ही आपको मिलेगा। तो देखो NF रैंकिंग जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर, ऐसा नहीं कि बस प्लेसमेंट देख करके ही NF रैंकिंग बता देगा, ऐसा नहीं है। प्लेसमेंट, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कई सारे फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है उसका रैंकिंग क्या होने वाला। तो रैंकिंग को देख करके डिसाइड मत कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, पहले से इसका जो NF रैंकिंग है काफ़ी घट चुका है। तो जो भी हो, आगे हम लोग मूव करते हैं और बात करते हैं बाकी सब पॉइंट पर। यहाँ पर कौन कौन से ब्रांचेस है, अगर बात करें BTech का, तो देख सकते हो जो CSE है, जो CSE स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन में आपका AINML है। नोट करो, ये CSE AINML नहीं है, बस AINML है। तो CSE AINML और सिर्फ AINML दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों को आप एक मत समझो। काफ़ी सारे बच्चे दोनों को एक समझते हैं एंड चॉइस फिल्म को डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको लाइक AINML में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है तभी आप चूज़ कीजिएगा, अदरवाइज अगर CSE में इंटरेस्ट है तो CSE AINML को चूज़ कीजिए, बाकी सब कॉलेजेस है। और एक है आपका कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, लाइक TCS इंड्यूस, ठीक है, लाइक TCS ओरिएंटेड ही ये लाइक इनका जो सिलेबस का जो करिकुलम है वैसे ही बनाया गया है। तो देखो, ये जो CSE BS है कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, ये सिर्फ और सिर्फ WBJEE के अंडर में जो कॉलेजेस है, यानी कि जो वेस्ट जो कॉलेज से, बस वहां पर ही आपको मेनली देखने को मिलेगा। अब देखो, ये मैं बोलते आ रहा हूं, ठीक है, कि प्राइवेट कॉलेजेस में, मतलब जो वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेजेस में ट्राई कीजिएगा जो कोर ब्रांच को अवॉइड करने का, सिर्फ और सिर्फ नॉन कोर को ही चूज़ कीजिएगा। तो लाइक यहाँ पर आप ये चूज़ कर सकते हो, आप अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर CS BS चूज़ कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस चूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ कर सकते हो, IT चूज़ कर सकते हो, बाकी मैकेनिकल, सिविल, आपका बायोमेडिकल, इलेक्ट्रिकल, ट्राई कीजिए इसको अवॉइड करने का। अगर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है तभी चूज़ करना, अदरवाइज ऐसा नहीं कि बस कॉलेज के नाम पर मैं एडमिशन ले लिया। अब देखो, WBJEE में TFW तो होता ही है, लेकिन जो बच्चे लाइक TFW कैटेगरी में नहीं आते एंड जो बाकी सारे स्कॉलरशिप है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो स्कॉलरशिप का लिस्ट है, ठीक है, तो सारे स्कॉलरशिप का नेम है एंड कौन सा स्पॉन्सरिंग बॉडी है तो ही मेंशन कर दिया गया। तो लाइक अब जो भी कैटेगरी में कॉल करते हो आप इस स्कॉलरशिप को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, तो इसके लिए आप कॉलेज से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको ये सारे स्कॉलरशिप चाहिए तो। और लाइक लोन वगैरह भी है तो देख सकते हो, मतलब कौन कौन से लोन यहाँ पर आप बच्चे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फैकल्टी की बात करें तो देखो, फैकल्टी मैक्सिमम यहाँ पर आपको PhD होल्डर्स ही मिलेंगे, देख सकते हो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, लाइक कौन कौन से फैकल्टी है सारा कुछ मेंशन कर दिया गया, नाम, एज, डेजिग्नेशन,
ठीक है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सारा कुछ मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो पीएचडी पीएचडी एंड एमई एंड एमटेक। तो एमई एमटेक एक ही है ठीक है, लाइक बीटेक एंड बीई होता है, तो दोनों में कुछ खास डिफरेंस है नहीं ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पर कोई एमटेक ही मिलेंगे या पीएचडी होल्डर्स मिलेंगे, सबसे ज़्यादा एमटेक होल्डर्स है देन पीएचडी होल्डर्स आते हैं। तो फैकल्टी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे बच्चे लेके काफ़ी सारे सीनियर हैं जो कि बोलते हैं यहाँ का जो कोडिंग एनवायरमेंट है काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। मतलब कई सारे बच्चे को लाइक सी एस सी आई टी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना, तो कोडिंग एनवायरमेंट इनका काफ़ी अच्छा है, तो लाइक आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा होगा फैकल्टी के तरफ से जो कि आपको आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो फैकल्टी के मामले में नो डाउट सारे के सारे फैकल्टी काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली जो सी एस सी आई टी के जो फैकल्टी वो काफ़ी बेस्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर का, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से तो बड़ा तो नहीं है, एकदम से नहीं छोटा है, लाइक छोटा है। अब आई एम का हो गया आपका बीबी पोतर हो गया, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी छोटा है ठीक है, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एकदम से बड़ा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ आपको एक एवरेज सा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल ही जाएगा। ये जो कॉलेज ये टाउन में लोकेटेड नहीं है, थोड़ा टाउन से हटकर है, गरिया में लोकेटेड है ठीक है, तो एकदम से आप टाउन इसको नहीं बोल सकते हो ठीक है, थोड़ा सॉल्ट लेक से थोड़ा दूर में है ओके। तो लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, जो भी मतलब रिक्वायर्ड चीज़ें होता है सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर, लाइक एक गैलरी में जैसे ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ वैसे ही जो बाकी सब कॉलेज मिलता है, लाइक इन्होंने लाइक वेबसाइट में जो भी इमेजेस अटैच कर रखा है, तो ऐसे नहीं कि लाइक ये यही सिर्फ कॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, बाकी सब जो कॉलेजेस जो इसी कैटरी में आते हैं वो भी यहाँ पर मिल रहा होगा। यहाँ पर बस एक डिफरेंस मुझको देखने को मिलता है, यहाँ पर जो कोडिंग एनवायरमेंट है काफ़ी अच्छा है ठीक है, लाइक जो बच्चे कोडिंग में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं जो बाकी सारे कॉलेज है उसके अलावा। और यहाँ पर जो एलुमनी नेटवर्क है काफ़ी स्ट्रांग है, देख सकते हो जो बच्चे पास आउट है ठीक है राइट ना, वो भी क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है, किस ईयर में पास आउट होता है, लाइक इनका नेम लाइक देख सकते हैं ये यूएसए में भी राइट नाउ है ठीक है, 2009 के एलुमनी थे ये। एंड बाकी जो स्टूडेंट है लाइक ये आईबीएम रिसर्चर बैंगलोर के हैं, इनका जो ईयर पास आउट है 2004 है ठीक है। तो यहाँ से कई सारे मतलब स्टूडेंट पास आउट हैं, राइट नो कहाँ पर क्या काम कर रहे हैं आप इसको चेकआउट कर सकते हो, सारा का सारा कुछ ऑफिसर वेबसाइट पर मेंशन कर रखा है ठीक है। तो मतलब काफ़ी वेल रिकॉग्नाइज्ड मतलब कॉलेज है ठीक है, मतलब यहाँ पर जो पास आउट स्टूडेंट है काफ़ी मतलब वेल एस्टेब्लिश है, देख सकते हो लाइक जर्मनी हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया ठीक है ना, तो काफ़ी मतलब अच्छे पोजिशन पर ही मौजूद है। अब ऐसा मत समझना कि कॉलेज का ये रोल है पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली स्टूडेंट पर डिपेंड करता है ठीक है। तो लाइक स्टूडेंट का भी कुछ क्रेडिट होता है, कुछ कॉलेज का भी क्रेडिट होता है, तो ये जो स्टूडेंट जो क्रेडिट है ये पूरा पूरा ऐसा नहीं कि कॉलेज का ही क्रेडिट जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने लाइक इनका जो एलुमनी नेटवर्क है मेंशन कर रखा है। और देखिए बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर का, तो मैं बता दूं फीस स्ट्रक्चर से किस कैसा है जो बाकी सारे कॉलेजेस से, लाइक उसी तरह का फीस स्ट्रक्चर है। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपको फीस कुछ पे करना पड़ता है एडमिशन चार्ज के साथ ठीक है, तो मान के चलिए कि आपको 80 to 85,000 के बीच में अमाउंट पे करना पड़ेगा फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। एंड नेक्स्ट सेमेस्टर से जो फीस है वो 45,000 to 50,000 के बीच में पे करना पड़ता है। अब देखो ये तो क्या सेमेस्टर फीस ठीक है, सेमेस्टर फीस के अलावा हर एक कॉलेज में होता है ये लगभग आजकल, आपको प्लेसमेंट ट्रेनिंग फीस पे करना पड़ता है जो कि लगभग साल का 10,000 होता है ओके। तो वो जो सेमेस्टर फी अलग है एंड ये जो प्लेसमेंट ट्रेनिंग फीस है ये अलग है। तो मान के चलिए कि आपका जो टोटल कॉस्ट है इन फोर ईयर वही 4 लाख के करीबन लग ही जाएगा, वही 3.8 लाख एंड 3.9 लाख। एंड ऑब्वियसली अगर हॉस्टल लेते हो तो 5,000 पर मंथ आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्लेसमेंट के मामले में ठीक है, तो देखो हर एक ब्रांच का प्लेसमेंट मेंशन कर रखा है इन्होंने। तो 22 का जो प्लेसमेंट डेटा है अभी तक ऑफिशियल डेटा अनाउंस हुआ नहीं है ठीक है, मतलब सारा कुछ डेटा जो होता है अनाउंस है नहीं, तो 21 का डेटा चेक कर सकते हो। वैसे मैं बता दूं 22 का जो प्लेसमेंट डेटा है वो बहुत ही अच्छा है एज़ कम्पेयर टू 21 ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर देख सकते हो जो सी एस सी है इसका क्या बताया गया, हाइस्ट पे पैकेज ऑफर्ड इन 21 इज 42 लैक्स। अब देखो 42 जो लैक्स है ये एग्जैक्ट बताया नहीं गया है कि वेदर ये ऑन कैंपस से कि ऑफ कैंपस से, अभी ऑन कैंपस ही ऑफ कैंपस से। तो देखो ये तो या तो ऑफ कैंपस हो सकता है या पूल कैंपस हो सकता है, ये ऑन कैंपस डेटा हो ही नहीं सकता है ठीक है, तो ये कन्फर्म है, तो इसको ऑन कैंपस का डेटा मत समझिएगा ओके। टोटल जॉब ऑफर देख सकते हो 21 का 100 है। अगर नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं आईटी, तो आईटी का देख सकते हैं जो हाइस्ट पैकेज है 7.2 लाख है ठीक है। देखो ऑन कैंपस का जो डेटा होता है आप मान के चलिए 20 लाख से ज़्यादा है तो जनरली वो 99% चांस है कि वो जो डेटा है वो ऑफ कैंपस या पूल कैंपस का ही होगा ठीक है। अगर वो 20 लाख से कम है तो चांसेस होता है कि वो ऑन कैंपस का डेटा है ओके। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा। जो आपका बाकी सब ब्रांच है ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो हाइस्ट पैकेज है 10 लैक्स है ठीक है। आप इलेक्ट्रिकल देख सकते हो 10 लैक्स से भी टोटल जॉब ऑफर्ड एट 46 है।
अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही प्लेस हुए, काफ़ी सारे बच्चे इलेक्ट्रिकल के होते हैं लेकिन फिर भी वो टेक कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ कंपनीज फॉर देयर फील्ड। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लाइक 10 लाख से तो इलेक्ट्रिकल का फील्ड में ही लगा होगा, हो सकता है ये जो बच्चा है ये इलेक्ट्रिकल का है एंड ये टेक कंपनी के लिए प्रिपरेशन किया होगा एंड वहाँ पर लग गया है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल में 10 लाख का पैकेज मिलता है। अल्टीमेटली अगर बच्चा इंटरेस्ट कोटिंग में तो हाइस्ट पैकेज उठा सकता है टेक कंपनी में जा करके। ओके, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। एंड जैसे कि देख सकते हो परसेंटेज ऑफ ऑफर काफ़ी कम है, 46 है ओनली। सिविल देख सकते हो सिविल का 11 लाख है एंड ओनली 20 ऑफर किया गया था। ठीक है, तो काफ़ी मतलब पुअर कंडीशन में। तो वैसे ही हर एक बार बोलते रहा हूँ कि कोर ब्रांच तो आप ट्राई कीजिए अवॉइड करने का ही। इंस्ट्रूमेशन देख सकते हो 8 लाख से एंड नंबर ऑफ टोटल ऑफर 27 है। ठीक है, और बायोमेडिकल तो देख सकते हो 18 ही जॉब ऑफर्स हैं, 7.2 लाख हाइस्ट पैकेज है। मैकेनिकल का 10 लाख हाइस्ट पैकेज है, 29 जॉब ऑफर है। और बिजनेस सिस्टम जो कि हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो TCS के द्वारा, तो यहाँ पर अभी तक तो ऑब्वियसली अभी सिर्फ 2 साल ही हुआ है, तो अभी 2 साल और वेट करना पड़ेगा आप लोगों को कि इनका प्लेसमेंट कैसा हो रहा है। और एक ब्रांच है ANML, तो ये भी आप स्पेशल कैटरिंग बोल सकते हो, तो इसका भी आपके लिए 2 साल वेट करना पड़ेगा कि कैसे इसका प्लेसमेंट हो रहा है। अगर ओवरऑल बात करें तो 21 का जो एलिजिबल जो स्टूडेंट्स थे, 76% स्टूडेंट एलिजिबल थे। कितने सारे कंपनी विजिट किए थे, 110 कंपनी विजिट किए थे। एवरेज पे पैकेज 5.1 लाख से देख सकते हो। अब 5.1 लाख ये ऑन कैंपस का नहीं, ऑब्वियसली इसमें ऑफ कैंपस भी इंक्लूड है एंड इसका फुल कैंपस भी इंक्लूड है। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप ऑन कैंपस का देते हो, उसका जो एवरेज पैकेज होना चाहिए वो 3.8 या 4 के करीबन ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 4.5 हो सकता है एवरेज पैकेज। तो 5.1 जो डेटा ये सही नहीं है क्योंकि इसमें ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, पुल कैंपस सारा का सारा तीनों इंक्लूड किया गया है। ठीक है, हाइस्ट पैकेज 42 लाख है जो कि ऑन कैंपस का नहीं है। और खैर इस बार तो मतलब जो 22 का जो डेटा है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब मैक्सिमम बच्चों का 30 लाख से ऊपर ही लगा है। मैक्सिमम नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ गुड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट को सपोर्ट मिलता है तो ऑब्वियसली मतलब सही जगह प्लेस्ड होते हैं। तो मैं वही हमेशा बोलते रहा हूँ कि अगर आप कोडिंग में काफ़ी इंटरेस्ट हो तो इनका जो कोडिंग एनवायरनमेंट है फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, तो यहाँ से इजिली आप क्रैक कर सकते हो कोई भी कंपनी। ये स्टैट है देख सकते हो, ठीक है, CSC हो गया, EC हो गया, जो बाकी सब ब्रांचेस है एंड ये सब लिस्ट ऑफ कंपनीज है जो कि यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड कंपनी दोनों तरह की कंपनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मास रिक्रूटर के तौर पर TCS, कैपजेमी, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, ठीक है, ये सारी कंपनी है जो कि मास रिक्रूटर है एंड लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट हो गया आपका, बायजूस हो गया, ठीक है, ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, शुड आई ज्वाइन। तो देखो मैं आपको जरा कॉलेज कॉम्पिटिशन का जरा बात बता दे रहा हूँ। अब देखो IIM आपका हो गया लिस्ट नंबर 1 में आता है आपका, देन हेरिटेज हो गया, ओके, देन टेक्नो मेन हो गया। अब टेक्नो मेन के बाद कोई बच्चे लाइक नेताजी को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कोई बच्चे लाइक हल्दी को चूज़ कर लेते हैं एंड कुछ बच्चे AOT को चूज़ कर लेते हैं। तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए? देखो 22 का बात करें, 2022 का जो प्लेसमेंट है सबसे अच्छा अगर बोला जाए नेताजी का हुआ है। ठीक है, मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, नेताजी का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन अगर बात करें नंबर ऑफ प्लेसमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड, मैक्सिमम बच्चे कहाँ प्लेस्ड हुए, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट का अगर बात करें तो AOT का परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट आज काफ़ी अच्छा हुआ है। परसेंट ऑफ प्लेसमेंट मतलब 95% बच्चे प्लेस्ड हो गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कम मिलेगा, 80% के अंडर ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 95% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छा है लाइक जो पैकेजेस के मामले में है, वेदर आप उसको क्या पुल कैंपस बोलो या ऑफ कैंपस बोलो, बच्चे अच्छे मतलब प्लेसमेंट ले के बैठ चुके हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ आपको यहाँ पर एडवांटेज मिलेंगे, कुछ वहाँ पर आपको एडवांटेज मिलेंगे। फैकल्टी के मामले में नेताजी इज बेस्ट, मैं बोलूँगा फैकल्टी काफ़ी अच्छे मिलेंगे आपको नेताजी, मतलब फैकल्टी के मामले में नो डाउट। अब देखो नेताजी जो है वो मकाउट यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है एंड AOT भी जो मकाउट यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, लेकिन हल्दिया जो है ये ऑटोनोमस है। तो कुछ बच्चे लाइक हल्दिया को चूज़ कर लेंगे क्योंकि हल्दिया जो ऑटोनोमस है, तो लाइक उन कॉटनमस कॉलेज काफ़ी अच्छा था किसी को, तो हल्दिया चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड कर देगी आपका क्या इंटरेस्ट है। बाकी मैं बता दिया तीनों में मतलब हर एक का कुछ अलग अलग एडवांटेजेस है, कुछ अलग अलग डिसएडवांटेज है। ठीक है, अगर शॉर्ट में बताओ, ठीक है, तो देखो इस साल यानी 22 में तो नेताजी बेस्ट परफॉर्म किया, लेकिन लास्ट का 3 ईयर से अगर देखो तुम
ट्रेंड देखो, मतलब कैसे क्या जा रहा है, तो यूटी इज स्लाइट बेटर देन नेताजी, मतलब स्लाइट बेटर बोल सकते हो। लेकिन फिर कुछ बच्चे लाइक बोलेंगे कि नेताजी अच्छा है क्योंकि नेताजी कोलकाता में लोकेटेड है एंड यूटी काफ़ी काफ़ी दूर है। तो ये देखो आपका लोकेशन भी डिपेंड करता है, मैं कहीं बोलता हूँ कि लोकेशन आपका कहाँ प्रेफरेबल है, ठीक है। तो लाइक आप चाहो तो नेताजी को पढ़ सकते हो, दिन यूटी को बाद में सकते हो, लेकिन नेताजी यूटी के बाद आप हल्दे को रखना, ठीक है। मैं हर एक बार बोलता हूँ, पहले आप या तो नेताजी यूटी का रख लीजिए, देन आप हल्दिया चूज़ कर सकते हो। अब देखो ये आप पर डिपेंड करते हैं कि आप ऑटोनोमस को प्रिपेयर करते हो नहीं करते हो, ठीक है। लाइक अभी भी डिपेंड करते हैं कौन सा ब्रांच मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि लाइक आपको नेताजी में आपको आईटी मिल रहा है, नेताजी में आपको आईटी मिल रहा है एंड यूटी में सीएससी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप यूटी का सीएससी चूज़ करोगे ना। तो डिपेंड करता है कौन सा ब्रांच में जो मिल रहा है, तो दोनों ही मैटर करता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक काफ़ी डिटेल रिव्यू मिल चुका है नेताजी के बारे में। वैसे कुछ भी डाउट इसके रिगार्डिंग प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं सबका रिप्लाई देने वाला हूँ, ठीक है। एंड जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन अपकमिंग डेज हम लोग और सारे कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं। और एक बात बता दूँ, आपका जो भी रैंक है WBG में एंड आपको लगता है कि हाँ इस कॉलेज में जो नहीं मिलने वाला है, तो आप लोग सोच रहे हो डायरेक्ट एडमिशन का, तो बता दूँ आप अगर चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, ठीक है। तो इस गूगल फॉर्म को लोग फिलअप कर सकते हो एंड हम लोग का जो टीम है रिलेबल टीम है आपसे कॉन्टैक्ट करेगा एंड आपका लाइक जो भी क्वेश्चन है जो भी रिलेटेड डाउट है आप पूछ सकते हो एंड लाइक आपका बेस्ट कॉलेज में विथ बेस्ट मतलब बजट आपका जो भी होगा उसके द्वारा आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा।